आज हम बात कर रहे हैं सीकर के ऐसे शख्स की जिन्होंने सीकर की जनता पार्टी को बहुत प्यार दिया। भारतीय जनता पार्टी के गद्दावर नेता यूसुफ सईद, जिन्होंने क्लीन इंडिया और ग्रीन इंडिया के बारे में बताया। पीड़ा उठाइए, गंदगी से मुक्त कैसे किया जाए, इन्होंने जो पीड़ा उठाई है इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। और ये बताना चाहता हूँ कि आज जो हमारी स्थिति बनी हुई है, इसलिए कि हमारा नगर परिषद में मेंबर नहीं होने के कारण आज हमें नगर परिषद ने कचरे के ढेर में डाल दिया है। यानी कि हमारे इस बेहतरीन इलाके को और सीकर के सबसे बढ़िया चौक को कचरे का एक वो स्टोरेज बना दिया गया है। ये सिर्फ जो कमी है वो हमारी खुद की कमी से आज हमें ये कचरे के ढेर में रहना पड़ रहा है। ये कचरे का ढेर ही नहीं, हमारी जिंदगियों को ढेर करने वाला ये एक मैसेज जो नगर परिषद हमें दे रही है। इससे मैं कहता हूँ जिस इंसान की उम्र 70 साल जीने की शक्ति उसके अंदर पैदा होती है, और ये कचरे के ढेर में जो इंसान उतर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, तो मैं कहता हूँ उसकी उम्र 40 साल की हो रही है। आज गंदगी का पूरे शहर में माहौल जो बना हुआ है उसको मद्देनजर रखते हुए सबसे ज्यादा जो गंदगी का माहौल है वो विचायती आश्रम में, उसका सीधा सीधा परिणाम ये है कि हमारा प्रतिनिधि नगर परिषद में नहीं होने के कारण हमें ये खामियाजा उठाना पड़ रहा है। तो मैं इस युवा शक्ति को और ये सम्मानित मंच हमारे हजरत इनको बताना चाहता हूँ कि आगे जो चुनाव आने वाले उसमें संघर्षशील एक शक्तिशाली सीकर में सबसे बड़ी कौम होने वाली, उसको एक मैसेज देना है कि हमारा प्रतिनिधि एक नहीं, दो नहीं, चार चार जनप्रतिनिधि होंगे।